हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। सो गाइस, आज मैं जिन प्लैनेट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़े प्लैनेट है। एक ऐसा प्लैनेट है जिस प्लैनेट की वजह से ज़िंदगी में हम लोग तरक्की करते हैं, हम लोगों को ग्रोथ मिलती है, हम लोगों की नॉलेज बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, हमारे घर में हैप्पीनेस रहती है और हम हर एक तरह से अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे से इन्जॉय करते हैं। इस प्लैनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, जो कि अपना साइन चेंज कर रहे हैं 30th मार्च 2020 को 90 डेज के लिए सेजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में। आई रिपीट दिस डेट, फ्रॉम 30th मार्च 2020 टू 30th जून 2020 जुपिटर विल चेंज अवर साइन फ्रॉम सेजिटेरियस टू कैप्रिकॉर्न एंड कंजक्शन विद सैटर्न। सो गाइस, बहुत बड़ा चेंज ट्रांजिट में होने वाला है। 30th मार्च को गुरुदेव यानी जुपिटर सेजिटेरियस साइंस को छोड़कर कैप्रिकॉर्न में जा रहे हैं। 14th मई को वहीं पे रेट्रोग्रेड होंगे और 30th जून को वो दोबारा से रेट्रोग्रेड मोशन में ही सेजिटेरियस साइन में एंटर करेंगे और नवंबर 2020 तक वो सेजिटेरियस साइन में ही रहेंगे। सो गाइस, ये मेरा वीडियो है आज हर एक लगन के लिए। गुरु शनि का ये जो योग बन रहा है 30th मार्च से लेकर 30th जून के बीच, ये 90 दिन हर एक लगन के लिए कैसे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लगन हैं जिनके लिए समय बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स वाला आने वाला है। सो गाइज, मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको एस्ट्रोलॉजी की कुछ गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आप इस समय में अगर ये डायरेक्शंस पे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की डायरेक्शंस लेकर कुछ अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक मार्गदर्शन है, एस्ट्रोलॉजी एक गाइडलाइन है जो हमारी लाइफ को बेटरमेंट की ओर लेके जाती है। लेट स्टार्ट फॉर द लिब्रा सेंडस। आपके सेंडस से 4th हाउस में जुपिटर सैटर्न का कनेक्शन है। अपनी मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट होकर चले, ज़्यादा डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है, बट ओवरऑल फिर भी अगर कुछ नेगेटिविटी आपको उधर से दिख रही है तो नियरेस्ट डॉक्टर से अर्ली कॉन्टैक्ट करें। जुपिटर शनि का यहाँ पर कनेक्शन, जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, व्हीकल सेल परचेज का बिजनेस करते हैं, उनके लिए 90 डेज अचीवमेंट्स वाले आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेगा। अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो आपका सेल हो सकता है इन 90 डेज में। अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे, चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रहेंगी। आप नया व्हीकल घर के लिए, अपने लिए आप बाय कर सकते हो। 4th हाउस में गुरु शनि का योग आपके कंफर्ट लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको हर एक तरफ से कंफर्ट लेवल मिलेगा, आपकी सेविंग्स में भी राइज होगा, आपकी नॉलेज यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ेगी, हर एक तरफ से कामयाबी आपको मिलेगी। नाउ मोर अबाउट दिस जुपिटर सैटर्न का जंक्शन, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ लाइक माई वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।